हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स जोन क्लासेस। तो आपने बोर्ड पे देख ही लिया होगा, ये है हमारी 7 मिनट सीरीज। पहला टॉपिक हमारा सबसे क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इंडिफरेंस कर्व की, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं तो इनके लिए वो टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सीरीज भी बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं बना रही हूँ। सो तीन इम्पोर्टेंट इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज हैं। आइए देखते हैं वन बाय वन करके अपने प्रॉपर्टीज को। सो पहली प्रॉपर्टी नंबर वन क्या होती है, इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। फर्स्ट क्या है, इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास ये डायग्राम है, आईसी कर्व है, आपको गिवन है, तो कभी भी इंडिफरेंस कर्व में ऐसा नहीं होता है कि कोई ऐसा कर्व बना दिया जाए। मतलब कोई भी आईसी कभी भी किसी आईसी को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कट नहीं करेगी। ये है आपकी पहली प्रॉपर्टी। और आप जैसे ही प्रॉपर्टी को लिखेंगे अपने एग्जाम की नोट कॉपी में, साथ में आपको डायग्राम अगर बना देंगे तो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, ताकि एग्जामिनर को इजी हो जाए आपकी नोटबुक को चेक करने में। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें अगर, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आईसी कर्व हमारा क्या होता है, आईसी कर्व कॉन्वेक्स टू ईच अदर। आईसी कॉन्वेक्स फ्रॉम दी ओरिजिन, आईसी कॉन्वेक्स फ्रॉम दी ओरिजिन। ओरिजिन से भी क्या होता है आपका, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। आप यहाँ पे रीजन भी दे सकते हैं फ्रेंड्स कि क्यों आईसी हमारा कॉन्वेक्स होता है, सो बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग। सो आप यहाँ पे बता सकते हैं बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस, डिमिनिशिंग एमआरएस। एमआरएस का फुल फॉर्म भी आप साथ में लिख दीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट में लिखेंगे तो कई बार एग्जाम में मार्क्स काट लेते हैं। सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दिस इज योर सेकेंड प्रॉपर्टी जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम थ्री प्रॉपर्टीज हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, कोई भी आईसी कभी किसी आईसी को इंटरसेक्ट नहीं करता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, साथ में डायग्राम मेंशन कर दीजिएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, आईसी कर्व आपका कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, इसके लिए भी सेम आपको क्या करना पड़ेगा, एक आईसी कर्व बनाइएगा, साथ में यहाँ से ऐसे करके डायग्राम बना दीजिएगा और उसमें मेंशन कर दीजिएगा आईसी कर्व। सो ये आपका इसके साथ का डायग्राम हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रॉम द ओरिजिन आईसी कर्व आपका होता है कैसा, कॉन्वेक्स। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आपकी, ओके सॉरी, हायर आईसी गेट्स हायर सेटिस्फेक्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रॉपर्टी, हायर आईसी गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन। हायर आईसी का मतलब क्या होता है, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा कैसे, इंडिफरेंस मैप वाला। सो ये थर्ड वाले का डायग्राम मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ। आपको क्या बनाना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन बताना है, ये आपका गुड एक्स है, ये गुड वाई है। एक आईसी बनाइएगा, देन सेकेंड आईसी और ये थर्ड आईसी, सबके नाम बता दीजिएगा। ये आईसी वन है, आईसी टू है, आईसी थ्री है, बट ये वाला जो आपका आईसी है, थर्ड वाला आईसी, ये आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, बिकॉज ये आपकी प्रॉपर्टी में गिवन है कि जो हायर आईसी होता है। और ये हम, अगर आपको इसका डिटेल में डिस्कशन देखना होगा तो इसके लिए मैं दूसरी वीडियो लेके आऊंगी, जहां पे आपको मैं इनके रीजंस भी बता दूंगी क्योंकि क्यों हायर आईसी, जो सबसे ज्यादा हाई होता है आईसी, वही क्यों ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, बाकियों के भी कंक्लूजन। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों प्रॉपर्टीज को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। पहला है, एक बार रिवाइज कर लो फटाफट, फर्स्ट है आपका आईसी डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कोई आईसी किसी भी आईसी को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता फ्रेंड्स। दूसरा आपका प्रॉपर्टी है कि आईसी हमेशा कॉन्वेक्स होता है फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से ही आपका आईसी कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। कर्व उसका कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। और लास्ट आपकी प्रॉपर्टी है हायर आईसी गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन, जो ज्यादा बड़ी आईसी होती है, जो ज्यादा हायर पे होती है, वो आपको हमेशा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगी।
सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसको फटाफट कॉपी में नोट डाउन करिए, मिलते हैं नए लेक्चर में।